हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो है विवर्तन। तो विवर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे विवर्तन के प्रकार। तो विवर्तन के दो प्रकार होते हैं तो उसको भी हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है विवर्तन। तो भैया विवर्तन को हम डिफ्रेक्शन भी इंग्लिश में कहते हैं। अब भैया विवर्तन किसे कहते हैं, इसका हमने दो परिभाषा लिखा गया है यहाँ पे। देखिए एक यहाँ से एक यहाँ तक, एक है दूसरा ये परिभाषा। अब दोनों में से आपको जो बेहतर लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यूं ही याद हो जाएगा यदि आप फिगर को समझे। तो भैया विवर्तन किसे कहते हैं, तो यदि आपने देखा होगा कोई भी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब, यदि आपने देखा होगा तो प्रतिबिंब में यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब ये है, मतलब कोई भी वस्तु है और उस वस्तु का ये प्रतिबिंब है। तो आपने देखा होगा तो उसके किनारों पर क्या होते हैं भैया, कुछ गाढ़ा फनके जैसे होते हैं। जितना ये सब गाढ़ा नहीं होगा उससे ज्यादा किनारों पर क्या होता है, एक एरिया जो होता है उस पे क्या होता है, डॉटेड, मतलब ज्यादा वो गाढ़ा दिखता है। वो क्या होता है, प्रतिबिंब के क्या चारों ओर का आकृति बनाए रखता है, इसलिए ये गाढ़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब बना, वहां पे क्या हो रहा है, प्रकाश का अतिक्रमण हो रहा है। प्रकाश का अतिक्रमण, ठीक है, वहां पे प्रकाश का अतिक्रमण होता है किनारों पर, इसलिए क्या होता है भैया वो गाढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो कभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे तो जो क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसके जो किनारे ऊपर क्या होगा, गाढ़ा होगा। जितना यहाँ पे बीच में जो गाढ़ा नहीं होगा उससे ज्यादा किनारों पर होगा, ठीक है। तो इसको गौर कर लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस किनारों पर क्या हो रहा है, प्रकाश का अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है। तो प्रकाश के अतिक्रमण होने की जो घटना है इसे ही हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु है उसके वस्तु के द्वारा, कोई भी मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, अब इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो किसी वस्तु का जो क्या बनता है, ज्यामिति छाया होता है। कोई भी वस्तु है तो इस वस्तु का जो ज्यामिति छाया है, ज्यामिति छाया, ठीक है। तो कोई भी वस्तु है ये ज्यामिति, इसको छाया कहेंगे, मतलब या तो छाया कह दीजिए या प्रतिबिंब कहिए। तो ये जो ज्यामिति छाया है इस पर प्रकाश का जो अतिक्रमण होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है भैया, कि किसी वस्तुओं के द्वारा, कोई भी वस्तु है किसी वस्तु के द्वारा बने ज्यामिति छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। मतलब किसी वस्तुओं के द्वारा बने, किसी वस्तुओं के द्वारा बने ज्यामिति छाया, किसी वस्तुओं के द्वारा ज्यामिति छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण, पर प्रकाश का अतिक्रमण क्या कहलाता है भैया, विवर्तन कहलाता है। तो आशा करते हैं इस फिगर को देखकर आप कह सकते हैं कि किसी वस्तुओं के द्वारा, किसी वस्तुओं के द्वारा बने ज्यामिति छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण ही विवर्तन कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। या तो आप ये कह दीजिए या आप दूसरा ये भी कह सकते हैं कि तरंगों के किनारे मुड़ने की परिघटना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। बहुत ही में है, ठीक है। उतना इसमें जो क्या किया गया है, चर्चा करके नहीं बताया गया इस परिभाषा को, ठीक है। यहाँ पे चर्चा करके बताया गया है कि आखिर विवर्तन होता क्या है, क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए ना। तो यदि आप ऐसे ये डिटेल में है तो इसको लिखते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। नहीं तो आप लिख सकते हैं कि तरंगों को किनारों पर मुड़ने की जो परिघटना होती है, जो तरंगे होती हैं वो किनारों पर मुड़ने की जो परिघटना होती है वो घटना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। या तो आप ये लिख दीजिए या बेहतर ये रहेगा कि किसी वस्तुओं द्वारा बने ज्यामिति छाया पर जो क्या होता है, प्रतिबिंब, ज्यामिति छाया पर जो क्या होता है, प्रकाश का अतिक्रमण होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, विवर्तन कहते हैं या कहलाता है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तुओं के द्वारा बने ज्यामिति छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। तो आशा करते हैं विवर्तन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, बार बार आपको बोल दिया गया है, समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है भैया कि जो क्या होता है, विवर्तन के दो प्रकार होते हैं। अब वो दो कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है फ्रेंकल विवर्तन। अब भैया फ्रेंकल विवर्तन किसे कहते हैं, तो याद रखें भैया कि ऐसा विवर्तन जिसमें भैया स्रोत और पर्दा के बीच सीमित दूरी होता है, जिसमें क्या होता है, इस कलर से मैं लिखूं तो ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दा के बीच सीमित दूरी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल विवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा कि जिसमें क्या होगा, स्रोत और पर्दा के बीच क्या होगा, सीमित दूरी होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल विवर्तन कहते हैं। अब भैया
फ्रॉनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं कि ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दा के बीच असीमित दूरी होता है, असीमित दूरी होता है, तो उसे हम क्या होते हैं, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो आप डेफिनेशन कह सकते हैं ना कि मतलब क्या हुआ, स्रोत और पर्दा के बीच यदि सीमित दूरी होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनल विवर्तन कहते हैं, और जिसमें भी यह स्रोत और पर्दा के बीच असीमित दूरी होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यदि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, आप भी देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, किसी का डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, कोई डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, खासकर बायोलॉजी को छोड़कर फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि क्लास 9th और 10th का ही बायोलॉजी केवल अभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का, क्लास 9th 10th का, ये यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके बायोलॉजी का भी मांग सकते हैं, अदरवाइज 11th और 12th का चाहिए ऊपर क्लास का भी, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलेगा, बायोलॉजी का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जाकर अच्छे से यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से जाकर अपने पूरे सिलेबस को एक जगह से अपने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आशा करते हैं को जितनी भी बातें बताई गई हैं वो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।